हेलो एवरीवन, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। तो आज मैं आपके सामने ये प्लम ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश का रिव्यू लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो फेस वॉश है ये मैं रेगुलर बेसिस पे 3 to 4 months हो गया है मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, उसी के बेसिस में मैंने ये प्रोडक्ट का रिव्यू बनाया है और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी आगे जाकर। मैं अभी 1 साल 2 साल हुआ है मैं प्लम के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर रही हूँ, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये जो फेस वॉश है उसका रिजल्ट तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये जो है ये 100 ml का पैक है और इसकी जो प्राइस MRP प्राइस है वो है 275 rupees। स्किन टाइप के लिए बात करूं तो ये ऑयली स्किन के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसका जो बेस है वो जेल फॉर्म है, तो इसलिए ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी अच्छा है, और जो स्किन एक्ने प्रोन है यानी कि जिसके स्किन में बहुत पिंपल्स वगैरह निकलते हैं उनके लिए भी ये द बेस्ट फेस वॉश है। तो ब्रांड तो हम जानते हैं, ये प्लम बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं और काफी अच्छे वर्क भी करते हैं। मेरे लिए तो भाई काफी अच्छा वर्क करता है ये। इसके फीचर्स की बात करूं तो ये काफी जेंटल क्लींजिंग करता है, और चूंकि ये जेल बेस्ड है तो आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं रखता है, पिंपल्स होने से रोकता है, साथ ही साथ पिंपल्स होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें भी रोकता है फैलने से, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपके जो पोर्स बंद हो चुके हैं उसे खोलता है, और साथ ही साथ जो अगर आपके स्किन में एक्स्ट्रा ऑयल जो है या फिर एक्सेसिव ऑयल्स और इम्प्योरिटीज जो है उसे भी रिमूव करता है। चूंकि इस फेस वॉश में ग्रीन टी है, जो हम जानते हैं कि ग्रीन टी जो है उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे पिंपल्स को होने से रोकता है, साथ ही साथ उससे होने वाले बैक्टीरिया को रोकता है, और सबसे बड़ी बात की जो है एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है जिससे कि पिंपल्स भी नहीं होते हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि हमारे स्किन को ब्राइटन लाइटन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ एक जेंटल एक्सफोलिएट देता है हमारे डेड स्किन को, और जो क्लॉग्ड पोर्स है उसे भी खोलता है जिससे कि किसी भी तरह का कोई पिंपल्स होने का चांस नहीं होता है। और चूंकि एक्सफोलिएट होता है हमारा स्किन, तो जिससे कि हमारा स्किन एक रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड फील करता है। ये जो फेस वॉश है ये काफी जेंटल फेस वॉश है, बहुत ही सॉम में आपके स्किन को क्लीन करता है। इसमें छोटे छोटे सेलुलस बीड्स है जो कि आपके बंद हुए पोर्स को खोलता है, जिससे कि सारे डर्ट्स और डेड स्किन वो सारे रिमूव हो जाते हैं आपके फेस से और आपको एक बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल स्किन मिलता है। मेन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। दिस फेस वॉश इज एनरिच्ड विद ग्रीन टी, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सेलुलस बीड्स। दिन में आपको 2 बार यूज करना है, फॉलो विद टोनर एंड मॉइस्चराइजर। इस फेस वॉश में बहुत ही लाइट सेंट है ग्रीन टी की, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसे 3 to 3.5 months से यूज कर रही हूँ तो ये इसमें खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से इसमें स्मॉलेस्ट सेलुलर बीड्स हैं। ये जो लॉक है ये फ्लिप फ्लॉप है जो कि आप आसानी से रख सकते हो, आपको इस तरह से खड़े करके रख लेना है जिससे कि जो आपका सारा प्रोडक्ट है वो सब बिल्कुल सामने रहे, जिससे कि आपको प्रेस करके निकालने में बहुत ही आसानी होता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही भीनी सी ग्रीन टी की खुशबू है इसमें। अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इस फेस वॉश को लेके, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे लिए द बेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं ये 3 months से यूज कर रही हूँ, ये पहली बार नहीं, मैं इसके पहले भी यूज कर चुकी हूँ। ऑयलीनेस जो मेरे स्किन में होता है आफ्टर मॉइस्चराइजिंग के बाद 1-2 घंटे बाद जो ऑयलीनेस आ जाता है वो वैसा बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है। खासकर अगर आप ऑयली स्किन वाले तो कोशिश करें कि जेल बेस ही यूज करें। लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। इसका छोटा पैक भी आता है, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं एज अ ट्राई के लिए। आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो जरूर लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।